लिखा है एक गई पाथी की जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। वो सुनती थी हुबुल की लात की तजलील करता है, वो अपने हक के पैमाने की तामील करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, हुबुल के पाँव पर सर रख के उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आजकल मैं रंज सहती हूँ। वो गम है ये मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। मिटा दो उसकी हकी को नले फिर कोई ना भुका, जिगर छलनी हुआ जाता है सुनकर कलाम उसका। दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी ये दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई। ज़ईफ़ा को खुशी थी अब हुबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर जब उम्मीद भर आई, दुआ करके हुबुल से अपने दिल में खूब पछताई। गरज तकरीब उसने सोच लिए खुद ही घर आकर कि छोड़ूंगी ये बस्ती मैं रहूंगी और कहीं जाकर। गरज एक दिन सुबह को उसने अपने एक गठरी ली, निकल के घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ईफ़ा सोचती थी अब कोई मस्तूर मिलता है, उसे ये क्या खबर थी कि एक खुदा का नूर मिलता है। फरीजा सुबह का करके अदा सरकार दो आलम, चले जाते थे काबा की तरफ वो रहमती आलम। चलो मैं आप तो शमसो कमर मालूम होते थे, पै तस्लीम सजदे में शजर मालूम होते थे। ज़ईफ़ा मुंतजिर मजदूर की बैठी थी घबराई, यकायक सामने से छांद सी सूरत नजर आई। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा यहाँ आना पता क्या नाम है तेरा, कहा मजदूर हूँ अम्मा बता क्या काम है तेरा, कहा मजदूर है तो चल गठरी मेरी लेकर मैं खुश कर दूंगी ऐ मजदूर मजदूरी तेरी देकर। ये सुनकर आपने गठरी उठाकर अपने सर पर ली, ज़ईफ़ों की मदद करना ये आदत थी पैंबर की। गरज गठरी को लेकर मंजिले मकसूद पर आई, कहा दिल से कि ऐ दिल अब तेरी उम्मीद भर आई। कहा बेटा जो थी दिल में तमन्ना हो गई पूरी, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों से हो गई दूरी। लगी देने जो मजदूरी ज़ईफ़ा आपको उस दम, तो फरमाने लगे उस दम हुजूर सरवरे आलम, ये कोई काम है अम्मा मैलू अब जिसकी मजदूरी, कोई कर और खिदमत है तो वो भी मैं करूँ पूरी। ये फरमाते हुए कि आपने जाने की ये तैयारी, ज़ईफ़ा से इजाज़त चाहत
आते थे रहमते बारी, ज़ैफ़ा ने कहा बेटा जरा तहरों चले जाना, मुझे एक बात कहनी है जरा सुनकर चले जाना। यकीन जानो कि अब मक्का में झगड़ा होने वाला है, मैं समझाती हूँ तुझको इसलिए तू भोला भाला है। वो मक्का में कबीला हाशिमी नामो लकब वाले, वही बेटा जो है सरदार अब्दुल मुत्तलिब वाले, उन्हीं में एक जवान है जो सुना जाता है साहिब है के उस फन में, मगर बेटा वो अपने खूब माहिर है। वो सर होता है जिसके दिल में उल्फा बो के रहता है, जो सुनता है कलाम का वो सुस्का हो के रहता है। हमेशा बच के चलना उससे बोले कोई ना मुस्का, नसीहत है यही मेरी न सुनना तू कदा मुस्का। नबी बुढ़िया के दिल में नूर वहदत भरने वाले थे, नसीहत सुन रहे थे जो नसीहत करने वाले थे। ज़ैफ़ा ने कहा बेटा भला क्या नाम है तेरा, तेरा आगाज क्या है और क्या अंजाम है तेरा। कहा हजरत ने बुढ़िया से तुझे क्या नाम बतलाऊं, मैं क्या काम बतलाऊं, मैं क्या अंजाम बतलाऊं। मैं बंदा हूँ खुदा का और मैं रसूल उसका हूँ, कहाँ गर्दन झुका कर आपने, मैं ही मोहम्मद हूँ। मैं हूँ मासूम दुनिया में मेरा दुश्मन समाना है, खुदा वाहिद है आलम में मुझे बस ये बताना है। ये सुनना था कि बस आँखों से आंसू हो गए जारी, नबी के इश्क की एक चोट सी दिल पर लगी कारी। ज़ैफ़ा ने कहा बेटा करो मुश्किल मेरी आसान, मैं जैसे जीत के सदके मैं ऐसी हार के कुर्बान। हुआ फिर हाल भर भर के जो फजले इज़्ज़ते बारी, ज़ैफ़ा की जुबा से खुद ब खुद कलमा हुआ जारी।